नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी साजिश। पूरे घर में एक तनाव सा व्याप्त है। कल पम्मी की फिर चिट्ठी आई है और जैसा कि हमेशा होता आया है, पूरा घर भीतर ही भीतर हिल उठा है। बाबूजी लगातार छत पर चहलकदमी कर रहे हैं। अम्मा रसोई में बैठकर आंसू बहा रही हैं। सोहन तो पढ़ाई का बहाना लेकर दोस्त के यहाँ निकल गया है। खाने के वक्त भी उसने शक्ल नहीं दिखाई। निम्मी अलग मुंह फुलाए पढ़ने के कमरे में बैठी है। बच्चे टुकुर टुकुर जिस दिस का मुंह ताक रहे हैं। सबसे ज़्यादा संतरस्त और परेशान हैं मोहन और शीला। संकोच के मारे बेचारे अपने से ही आग चुरा रहे हैं। दोनों ने जैसे अपने होठ सी लिए हैं। डरते हैं कि कोई ऐसी वैसी बात मुँह से ना निकल जाए जो बारूद के ढेर में चिंगारी का काम करें। वैसे ही वे दोनों हमेशा से कटघरे में खड़े हैं। घर में अच्छा बुरा जो होता है उन्हीं के सिर जाता है। पम्मी की जब भी चिट्ठी आती है, दोनों पति पत्नी अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी की पहली प्रतिक्रिया अम्मा पर होती है। वे बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। इनके लिए तो बहन बाहर हो गई थी ना, बस ठाव देखा ना ठिकाना, झोंक दी भट्टी में। अम्मा को तो बस कुछ ना कुछ कहते रहना है। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर वे लोग निम्मी के वक्त थोड़ा सुस्त हो गए हैं। तो अम्मा बाबूजी 100 बार सुना चुके थे। दो दो भाई हैं पर किस काम के, मजे से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कल को लड़की किसी का हाथ पकड़कर भाग जाएगी तब अकल ठिकाने आएगी। परेशान है मोहन शीला, किसी करवट उन्हें चैन नहीं है। और अब फिर पम्मी की चिट्ठी आई है। अब इस घर में मेरा निभा नहीं हो सकता, आप लोग मुझे आकर लेवा ले जाइए, नहीं तो मैं कुछ खाकर सो रहूंगी। पम्मी का यह नाटक पिछले 4 सालों से चल रहा है। 5 साल के वैवाहिक जीवन में मुश्किल से 1 साल शांति से गुजरा होगा। पता नहीं कब क्या हो जाता है और वह अपनी लड़की को गोद में उठाकर यहाँ चली आती है। शुरू शुरू में तो सब उसे हाथों हाथ लेते थे, सबको उससे सहानुभूति भी थी। बाबूजी खुद जाकर 2-4 बार समधी जी से बेटी के किए अनकिए अपराधों की माफ़ी मांग आए। 2-4 बार दामाद को घर बुलाकर समझाया बुझाया गया, पर हर बार कोई क्या करे, अब तो खींच सी होने लगी है। पम्मी जब भी आती है, घर का बना बनाया रूटीन तहस नहस हो जाता है, बजट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। शीला तो उन दिनों अपने सारे अरमानों की भावनाओं की गठरी बनाकर मन के एक कोने में पटक देती है, क्योंकि और सब लोग तो अपने अपने काम से बाहर निकल जाते हैं, पम्मी की दर्द भरी दास्तान और अम्मा के ताने उसी के हिस्से में आते हैं। यह तो वह किसी तरह सह जाती है, पर जब उसके फूल से बच्चे उपेक्षा का शिकार होने लगते हैं तो उसका खून खौल जाता है। उनके कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि दूध में भी पम्मी की मुनमुन का हिस्सा निकालना पड़ता है। दिन भर दादा दादी की डांट पड़ती है, सो अलग। दुखियारी बेटी के लिए अम्मा उन दिनों को ज़्यादा ही तरल हो जाती हैं। आए दिन घर में स्त्री पकवान बनने लगते हैं। अम्मा रोज पम्मी को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाती हैं और रिक्शे तांगे में 150 रुपया फूंक डालती हैं। पम्मी का मन बहलाने के लिए निम्मी को ठेल ठाल कर उसके साथ सिनेमा या पार्क में भेज देती हैं। इन सब कार्यक्रमों के लिए शीला को ही पैसे देने पड़ते हैं और वह भी खुशी खुशी, नहीं तो अम्मा का पारा चढ़ जाता है। बजट के गड़बड़ाते ही सारी व्यवस्था चरमराने लगती है। हर कोई एक दूसरे पर खींच उतारने लगता है। आरोपों प्रत्यारोपों का एक दर्दनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। घर जैसे नर्क बन जाता है। तब ऊब कर पम्मी कहती है, यही सब सहना था तो मैं अपने घर में क्या बुरी थी। सारा घर जैसे सांस रोके इसी क्षण की प्रतीक्षा में जीता है। बाबूजी फौरन उसकी बात को उठा लेते हैं और तैयारी का आदेश जारी करते हैं। फिर ढेर सारे साज सामान के साथ भाई लोग उसे ससुराल छोड़ आते हैं। यह विदाई भी कम जानलेवा नहीं होती। घर की मामूली सी आय में एक बड़ा सा छेद कर जाती है। कई जरूरी खर्च जैसे अम्मा की चप्पल, बाबूजी का टॉनिक, सोहन का स्वेटर या निम्मी का सूट अगली किसी शुभ घड़ी के लिए टल जाते हैं। फिर भी
सब लोग राहत की संतोष की सांस लेते हैं, पर खर्च की यह गहरी खाई ठीक से पट भी नहीं पाती कि पम्मी का खत फिर आ जाता है। 2 दिन तक लगातार तनाव झेलने के बाद शीला से नहीं रहा गया। पति से बोली, देखो तुम तो दिन भर बाहर रहते हो, इनकी नज़रें झेलनी पड़ती हैं मुझे, ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई हत्यारिन हूँ। तो क्या करूँ, उसे लिवा लाओ। इसका मतलब क्या होता है जानती हो ना? जानती हूँ, पर उपाय ही क्या है? कल को कुछ हो गया तो जिंदगी भर सबके ताने ओल्हाने सुनने पड़ेंगे। सुबह दफ्तर जाते हुए मोहन ने सबके सामने सबको सुनाते हुए सोहन से कहा, ये 200 रुपये रखो और दोपहर की गाड़ी से निकल जाओ। कहाँ? जयपुर। मम्मी को लेवा लाओ, फिर यहाँ जैसा होगा भुगत लेंगे। अम्मा का चेहरा एकदम खिल उठा, वे बड़ी आशा से सोहन को देखती रहीं, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा। रूपों को उसने छुआ भी नहीं। आखिर मोहन को पूछना ही पड़ा, क्या सोच रहे हो? भैया, दीदी का आना क्या 2 महीनों के लिए टल नहीं सकता? क्यों? क्यों क्या, जानते तो हैं कि यह मार्च का महीना है। आपको अपने टीपू मीनू की चिंता ना सही, मेरा और निम्मी का तो ख्याल कीजिए। दोनों की परीक्षाएं सिर पर हैं, इस समय तो कोई भी मेहमान अखरता है। दीदी तो फिर आप जानते ही हैं, आते ही सारा वातावरण गंदला करके रख देती है। घर में पांव देने की इच्छा नहीं होती, पढ़ाई क्या खाक होगी? आप तो खुशकिस्मत हैं छोटे भैया, निम्मी ने सिर मिलाया। घर में पाँव देने की इच्छा ना हो तो दोस्त के घर जाकर पढ़ सकते हैं, हम क्या करें? दीदी आती हैं तो कितना काम फैल जाता है, वे तो किसी काम में हाथ नहीं लगाती, बस दिन भर बैठी बिसूरती रहती हैं। अपनी बिटिया तक तो उनसे संभलती नहीं, उसे भी हम पर थोप देती हैं। अम्मा एकदम हतप्रभ थी, तुम दोनों को अपनी सगी बहन भी जहर लग रही है, वाह रे कलजुग। मगर शीला खुश थी, अच्छा हुआ कि अम्मा जी जान तो गई कि पम्मी का आगमन सारे घर के लिए कितना अनचाहा अध्याय है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी जो कुछ कहा सोहन ने, कहा निम्मी ने, कहा मोहन और शीला के सिर कोई बुराई नहीं आई। उसके बाद वह प्रसंग एक तरह से समाप्त ही हो गया था। बाबूजी ने पम्मी को पत्र लिख दिया था कि बच्चों की परीक्षा के बाद वे खुद आकर उसे लिवा ले जाएंगे। इसी आशय का एक अनुरोध पत्र उन्होंने समधी जी को भी लिख दिया था। मोहन से कह दिया था कि एकाद पत्र बहनों को भी लिख दे, हम उम्र हैं दोनों, 2 बातें वे प्यार से समझा देंगे। लेकिन इस बार पम्मी ने किसी का इंतजार नहीं किया। वे छुटकारे की सांस ठीक से ले भी ना पाए थे कि वह रोती झीकती आ पहुंची। उसे देखते ही सबके चेहरे फक पड़ गए। उस दिन घर में उत्सव का सा वातावरण था। मोहन ने अपने एक परिचित को सपरिवार आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण अनायास या अहेतुक नहीं था, निम्मी के लिए उस घर में बात चलाने की योजना थी। वे लोग इस बहाने घर को निम्मी को देख लें, यही इच्छा थी। घर को उस दिन विशेष यत्न से सवारा गया था। निम्मी भी सजी धजी गुड़िया सी बैठी थी, इतनी चुप चुप जैसे कि मुंह में जवान ही ना हो, और सबने भी अपनी बेहतरीन पोशाकें पहन ली थी। शीला ने जिद करके सास को भी कलफ लगी साड़ी पहना दी थी। वे मिश्री की डली बनी मेहमानों से बतिया रही थी। बाबूजी सबके बीच में चुपचाप बैठकर सामने वाली पार्टी को आंक रहे थे, परख रहे थे। शीला रसोई में व्यस्त थी, सोहन बाजार के चक्कर काट रहा था। मौका लगते ही बहन को चिकोटी काट लेता था। माहौल खुशी से सरोबार था कि पम्मी घर में भूचाल की तरह दाखिल हुई। आते ही उसने बुक्का फाड़कर रोना शुरू कर दिया। मुझे वहां भट्टी में झोंककर यहां सब बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इतनी चिट्ठियां लिखी पर कोई झांकने भी ना आया, किसी को परवाह नहीं है कि पम्मी जिंदा है या मर गई। इतनी ही भारी लगती हूँ तो हाथ पांव बांध कर कुएं में फेंक दिया होता, बार बार तंग तो नहीं करती, पर जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो मेरी शादी क्यों की? लड़के वालों के सामने अच्छा खासा नाटक हो गया, महफिल तो उखड़नी ही थी। बार बार क्षमा याचना करके उन लोगों को विदा किया। उनके यहाँ से क्या जवाब आएगा, यह तो अब करीब करीब निश्चित ही था। बड़ी मुश्किल से कहीं बात लगी थी, सब चौपट हो गया। महीने के अंतिम दिन थे, फिर भी मोहन ने जी कड़ा करके स्वागत सत्कार में
150 फूंक डाले थे, सब पर पानी फिर गया। घर में जैसे मातम छा गया। निम्मी तो खट पार्टी लेकर ऐसी पड़ गई, उसने खाना भी नहीं खाया और लोग भी पम्मी से खिंचे खिंचे ही रहे। अम्मा और भाभी को छोड़कर किसी ने ठीक से कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। अपने स्वागत का यह नया अंदाज देखकर पम्मी सहम गई। दो दिन तो उसने किसी तरह सब्र कर लिया, तीसरे दिन फटी पड़ी। लगता है किसी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, पहले से जानती तो यहाँ आती ही क्यों, अपमान ही सहना है तो अपने घर सहूंगी, घर में नहीं निभेगी तो कहीं नौकरी कर लूंगी। सोहन भी जैसे तैयार ही बैठा था, बोला तो कर लो ना नौकरी, जिंदगी भर भैया भाभी की छाती पर मूंग दलना क्या जरूरी है, जब मन होता है मुंह उठाकर चली आती हो, आखिर तुम्हारे लिए कोई कितना करेगा, घर में एक और लड़की भी है। आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, पम्मी ने तमक कर कहा, तुम्हारे दरवाजे आऊं तब आंखें दिखाना, बाप का घर हूँ, कहकर सोहन बाहर चला गया। वे अपने दिल का गुबार निकाल चुका था। सुखी है सोहन, अविवाहित है इसलिए मन की बात बेरोक टोक कह डालता है, कोई यह नहीं कह सकता कि बीबी ने उसके कान भर दिए हैं। अपमान से पम्मी के आंसू निकल आए। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि सोहन इतनी बड़ी बात कह गया और बाबूजी कुछ नहीं बोले। जिनके बल पर वे अकड़ रही थी, कानों में रुई दिए वे चुपचाप छत की कड़ियां गिनते रहे। बाबूजी, उसने कातर स्वर में पुकारा, सब सुन रहा हूँ बेटे। बाबूजी ने उसी तरह छत की ओर निर्निमेश देखते हुए कहा, पर सच बात तो यह है बेटा कि अब तुम्हारे बाप का घर कहाँ रहा, सब तो चुक गया, पेंशन जो मिलती है वह दवाइयों के लिए ही पूरी नहीं पड़ती, बेटे के भरोसे पर जी रहा हूँ, अपनी लंबी चौड़ी गृहस्थी उसके गले मड़कर बैठ गया हूँ, उसका बोझ और कितना बढ़ाऊं। बाबूजी, लेकिन पम्मी बेटे, हम लोग तुम्हारे जन्म के जिम्मेदार हैं, कर्म तो तुम्हें अपने खुद ही झेलने होंगे, सुख दुख जो भी हो अपने घर में ही सहो बिटिया, कल को तुम यहाँ आकर बैठ जाओगी तो बताओ निम्मी को कौन स्वीकारेगा। पम्मी के सारे सवाल चुक गए और शायद उत्तर भी। 3-4 दिन बाद पम्मी को सोहन के साथ गाड़ी में बिठाकर लौटे तो बाबूजी को ऐसा लग रहा था जैसे बेटी को अंतिम विदा दे आए हों। अगर कल को कुछ हो गया, पम्मी के ससुराल वालों ने यदि सचमुच कोई षड्यंत्र रच डाला तो भी उससे बरी नहीं है, इस साजिश में वे भी बराबर के हिस्सेदार हैं। धन्यवाद।